Hello friends and welcome back to our channel. Today we have fascinating topic lined up for all you literature enthusiasts and UGC NET English aspirants out there. We are diving into the rich literary period of the late 14th and early 15th centuries, commonly known as the Age of Chaucer. In this video, we will explore the important writers and their significant works from this era. So, if you are preparing for UGC NET English or just have a passion for English literature, you are in for a treat. Please, friends, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our educational content. आज हमारे पास आप सभी लिटरेचर लवर्स के लिए यूजीसी नेट इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए एक दिलचस्प विषय है। हम 14th सेंचुरी के अंत और 15th सेंचुरी की शुरुआत के समृद्ध लिटरेरी पीरियड के बारे में देखेंगे, जिसे एज ऑफ चौसर के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में हम इस पीरियड के इम्पोर्टेंट राइटर्स और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में जानेंगे। Let's start. Our journey through the age of Chaucer begins with the one and only Geoffrey Chaucer. Chaucer is often referred to as the father of English literature, and for a good reason. His most famous work, The Canterbury Tales, is a masterpiece that provides a vivid snapshot of medieval England. मतलब चौसर के युग में हमारी जर्नी एकमात्र जॉफ्री चौसर से शुरू होती है। जॉफ्री चौसर को अक्सर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उनका सबसे फेमस वर्क द कैंटरबरी टेल्स एक मास्टरपीस है जो मिडिवल इंग्लैंड का एक ज्वलंत चित्र प्रदान करता है। द कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ऑन देयर वे टू द श्राइन ऑफ अ सेंट थॉमस बेकेट इन कैंटरबरी कैथेड्रल। ईच टेल रिप्रेजेंट अ यूनिक जॉनरा एंड ऑफर्स इनसाइट इनटू द सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द टाइम। मतलब कैंटरबरी टेल्स कैंटरबरी कैथेड्रल में सेंट थॉमस बेकेट के मंदिर के रास्ते में पिलग्रिम्स के एक विविध ग्रुप द्वारा बताई गई स्टोरी का एक संग्रह है। प्रत्येक स्टोरी एक यूनिक जॉनरा का प्रतिनिधित्व करती है और उस समय के सोशल नॉर्म्स और मूल्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ईच टेल रिप्रेजेंट अ डिफरेंट जॉनरा सच एज रोमांस फैबलियो मॉरलिटी अलाउविंग चौसर टू शोकेस हिज वर्सेटिलिटी एज अ राइटर। मतलब प्रत्येक कहानी एक अलग जॉनरा का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे रोमांस कहानी और नैतिकता जो चौसर को एक राइटर के रूप में अपनी वर्सेटिलिटी दिखाने की अनुमति देती है। द टेल्स ऑल्सो प्रोवाइड अ विंडो इन टू द सोशल क्लासेस एंड पर्सनैलिटीज ऑफ द पिलग्रिम्स ऑफरिंग अ विविड स्नैपशॉट ऑफ मिडिवल इंग्लैंड। मतलब ये स्टोरीज पिलग्रिम के सोशल क्लासेस और व्यक्तियों के एक झलक भी प्रदान करती है जो मिडिवल इंग्लैंड का एक ज्वलंत स्नैपशॉट पेश करती है। फ्रेंड्स, देर आर अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स बाय चौसर विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम एंड दीज आर द बुक ऑफ द डचेस द लेजेंड ऑफ अ गुड वीमेन द पार्लियामेंट ऑफ अ फॉल्स एंड ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे। Moving on to another prominent figure of this era, we have William Langland. Langland is best known for his allegorical poem, Piers Plowman. This work is a critical piece of Middle English literature and is considered one of the earliest alliterative poems. मतलब इस एरा की एक और प्रमुख हस्ती हमारे लिस्ट में है जो कि विलियम लैंगलैंड है। लैंगलैंड को उनकी एलेगोरिकल पोयम पियर्स प्लोमन के लिए जाना जाता है। ये वर्क मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का एक क्रिटिकल पीस है और इसे अर्लीस्ट
एलिटरेटिव पोएम्स में से एक माना जाता है। पियर्स फ्लोमैन टेक्स रीडर्स ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू द एलिगोरिकल कैरेक्टर पियर्स एज ही सीक्स टू लीड अ राइटियस लाइफ। लैंगलैंड्स वर्क डेवेल्प्स इनटू थीम्स ऑफ मॉरलिटी सोसाइटी एंड ह्यूमन सोल मेकिंग इट एन इसेंशियल रीड फॉर एनीवन स्टडिंग दिस एरा। मतलब पियर्स फ्लोमैन रीडर्स को एलिगोरिकल कैरेक्टर पियर्स के माध्यम से स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाता है क्योंकि वह एक धार्मिक जीवन जीना चाहता है। लैंगलैंड का काम मॉरलिटी सोसाइटी और ह्यूमन सोल के थीम्स पर प्रकाश डालता है जिससे यह इस युग की स्टडी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन बन जाता है। फ्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर हिज इम्पॉर्टेंट वर्क एंड सम पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। पियर्स फ्लोमैन द पोयम इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ अ 22 ड्रीम्स विजन नोन एज अ पैसेज विच इज लैटिन फॉर स्टेप। The narrator will encounter a number of allegorical figures in these visions. The poem explores Christianity as the narrator looks for guidance on how to lead a godly Christian life. मतलब इस poem में 22 dream vision है, इसे passages कहते हैं, मतलब steps. इस poem में allegorical figures भी हैं और ये पोयम क्रिश्चियनिटी लाइफ को दिखाती है। नेक्स्ट ऑन अवर लिस्ट इज जॉन वाइक्लिफ अ थियोलॉजियन एंड फिलोसोफर हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज। वाइल वाइक्लिफ इज रिनाउंड फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू मिडिल इंग्लिश हिज वर्क्स ऑल्सो चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च। मतलब हमारी लिस्ट में अगला नाम जॉन वाइक्लिफ का है जो एक थियोलॉजियन और फिलोसोफर थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में महत्वपूर्ण योगदान दिया जबकि वाइक्लिफ के बाइबल के मिडिल इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए प्रसिद्ध है। उनके वर्क्स ने कैथोलिक चर्च के अधिकार को भी चुनौती दी। वाइक्लिफ्स ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल मेड द स्क्रिप्चर्स मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल and had a profound impact on the development of the English language. His ideas also laid the foundation for the later English Reformation. मतलब वाइक्लिफ के बाइबल के ट्रांसलेशन ने धर्म ग्रंथों को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बना दिया, मतलब इजी बना दिया, और इंग्लिश लैंग्वेज के विकास पर गहरा प्रभाव डाला। उनके विचारों ने बाद के इंग्लिश रिफॉर्मेशन की भी नींव रखी। फ्रेंड्स यू हैव टू रिमेंबर हिज वर्क एंड सम पॉइंट्स दैट आर ट्रेडिशन होल्ड्स दैट वाइकली फिनिश्ड अ डायलेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द वल्गेट इनटू मिडिल इंग्लिश विच इज नाउ नोन एज वाइक्लिफ्स बाइबल। ही मोस्ट लाइकली ट्रांसलेटेड द गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू Mark, Luke, and John himself, but it's also plausible that he translated the entire New Testament. मतलब परंपरा यह मानती है कि वाइक्लिफ ने वल्गेट का मिडिल इंग्लिश में सीधा ट्रांसलेशन पूरा किया जिसे अब वाइक्लिफ की बाइबल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मैथ्यू मार्क ल्यूक और खुद के वर्क्स का ट्रांसलेशन किया लेकिन यह भी प्रेज वर्दी है मतलब तारीफ के काबिल है कि उन्होंने संपूर्ण न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किया। अब एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस एरा वुडन बी कंप्लीट विदाउट मेंशनिंग जॉन मैंडिविल द ऑथर ऑफ द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडिविल। Although the true identity of Mandeville remains a mystery, his travelogue had a significant influence on European literature. मतलब इस युग की हमारी खोज The Travels of the Sir John Mandeville के राइटर जॉन मैंडिविल को मेंशन किए बिना पूरी नहीं होंगी। हालांकि मैंडिविल की असली पहचान एक रहस्य बनी हुई है लेकिन उनके ट्रैवलॉग का यूरोपियन लिटरेचर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। In the travels, Mandeville narrates his
incredible journey through distant lands, describing exotic places, people and creatures. This work not only entertained readers but also expanded their knowledge of the world beyond Europe. The Travels में Mandeville ने विदेशी स्थानों और लोगों और प्राणियों का वर्णन करते हुए दूर देशों के माध्यम से अपनी अविश्वसनीय यात्रा का वर्णन करते हैं। इस कार्य ने न केवल रीडर्स का मनोरंजन किया बल्कि यूरोप से परे दुनिया के बारे में उनका ज्ञान का भी विस्तार किया। फ्रेंड्स, रिमेंबर हिज इम्पोर्टेंट वर्क एंड सम पॉइंट्स दैट आर अराउंड 300 manuscripts ऑफ द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन Mandeville रिमेन टुडे एंड इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू एटलीस्ट 10 languages एंड frequently इनटू dialects ऑफ those languages. Both prose and poetry versions exist in Middle English. The travels are illustrated in many manuscripts, including this one. The travels of Sir John Mandeville की लगभग 300 manuscripts आज भी बची हुई है और इसका कम से कम 10 लैंग्वेज में और अक्सर उन लैंग्वेज के डायलेक्ट्स मतलब बोलियों में ट्रांसलेशन किया गया है। मिडिल इंग्लिश में प्रोज और पोएट्री दोनों वर्जन्स मौजूद हैं। द ट्रैवल्स सहित कई मैन्युस्क्रिप्ट्स में यात्राओं का वर्णन किया गया है। लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट वी हैव जॉन गोवर, अनदर रिनाउंड पोएट ऑफ दिस एरा। गोवर इज द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क्स कन्फेसो एमेंटिस एंड वॉक्स क्लेमेंटिस which are written in Middle English and Latin, respectively. मतलब इस एरा के एक और फेमस पोएट जॉन गोवर है। गोवर को उनके वर्क्स कन्फेशो अमेंटिस और वॉक्स क्लेमेंटिस के लिए जाना जाता है जो क्रमशः मिडिल इंग्लिश और लैटिन में लिखे गए हैं। Confessio Amantis is a collection of moral tales and allegories exploring the complexities of love and the human condition. Gower's writing provide valuable insight into the moral and ethical concern of his time. मतलब Confessio Amantis moral stories और allegory का एक संग्रह है जो love और human condition की complexities की खोज करता है। Gower के writings उनके समय की moral और ethical चिंताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वॉक्स क्लेमेंटिस इज अनदर सिग्निफिकेंट वर्क बाय गोवर, रिटन इन लैटिन। इट्स अ पोयम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 1381, ऑफरिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री। मतलब वॉक्स क्लेमेंटिस गोवर की एक इंपॉर्टेंट वर्क है जो लैटिन में लिखी गई है। यह एक पोयम है जो 1381 के किसानों के विद्रोह को दर्शाती है जो सोशल और पॉलिटिकल टिप्पणी पेश करती है। गोवर्स राइटिंग प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द मॉरल एंड एथिकल कंसर्न ऑफ दिस टाइम। गोवर की राइटिंग्स उनके समय की मॉरल और एथिकल कंसर्न के बारे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। Important works by John Gower. Friends, take a screenshot. These are only names of these works. अगर मैं ये पढ़ूंगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी और ये फ्रेंच में है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हार्ड है। So pause the video and take a screenshot. And there you have it, a glimpse into the age of Chaucer and some of the most important writers and their works from this fascinating period. Friends, if you found this video informative and enjoyable, please give it a thumbs up and share it with your fellow literature enthusiast. And as always, don't forget to subscribe for more educational content. If you have any questions or would like to see more videos on specific topics, feel free to leave a comment below. Thank you for joining us today, and until next time, keep exploring the world of literature. Thank you.